वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलोन जॉब। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीटी के बारे में, आखिर बीपीटी है क्या चीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते कि बीपीटी क्या होता है। अगर स्टूडेंट आप अगर ये कोर्स करना चाहते हो बीपीटी का, तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीपीटी है क्या आखिर, क्योंकि अगर आप करने की सोच रहे हो या फिर आपने प्लान बना रखा है कि अपन को बीपीटी करना है, तो इससे पहले आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए कि आखिर है क्या ये बीपीटी। तो चलिए वन बाय वन करके बीपीटी के बारे में पूरी नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं बीपीटी के बारे में जानना। तो बीपीटी की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि एक डिग्री स्नातक डिग्री कोर्स है। ये होता है 4.5 साल का डिग्री कोर्स होता है स्टूडेंट। भौतिक चिकित्सा क्षेत्र को भौतिक चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। फिजियोथेरेपी ये चिकित्सा का एक हिस्सा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यह शारीरिक उपचार, मसाज, शारीरिक आंदोलन, चोटों, विकृतियों और रोगों को बेहतर बनाने के व यहाँ पर केंद्रित, यानी कि इनमें एक्सरसाइज के थ्रू ही उपचार किया जाता है। डू नॉट यूज ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन का यूज बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। और बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यायाम के उपचार पर केंद्रित है। पुनर्वास के साथ फिजियोथेरेपी के कुछ महत्वपूर्ण अनुभाग, निदान, परीक्षा और मूल्यांकन। चिकित्सा की पारंपरिक शाखाओं के विपरीत फिजियोथेरेपी दवाइयों एवं चिकित्सा के बड़े पैमाने का भरोसा नहीं करता है। तो स्टूडेंट अगर मोटे तौर पर बात करें तो बीपीटी एक डिग्री कोर्स है और ये 4.5 साल का कोर्स होता है। इसमें मेडिसिन का यूज, किसी भी प्रकार के मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। बिना मेडिसिन के बाय एक्सरसाइज के थ्रू ही पेशेंट को सही किया जाता है इसमें। तो ये इसकी मेन फीचर हो गए। और अब बात कर लेते हैं बीपीटी में एडमिशन, कैरियर, स्कोप, नौकरियाँ और सैलरी की जानकारी। तो बीपीटी पाठ्यक्रम छात्रों को प्रशिक्षित करता है और उसे फिजियोथेरेपी उपचार में अभ्यास के लिए आवश्यक कौशल तकनीकी प्राप्त करने में मदद करता है। बीपीटी कोर्स में कुछ महत्वपूर्ण कौशल तकनीकों को सिखाया जाता है। व्यायाम चिकित्सा, शारीरिक उपचार, इलेक्ट्रोथेरेपी, शल्य चिकित्सा और भौतिकी परिस्थिति को निपटने के लिए। बीपीटी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है अगर आप करना चाहते हैं ये कोर्स। और अब बात करते हैं कि बीपीटी में एडमिशन कैसे लें। तो बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके, और उनमें कम से कम 50% मार्क्स से आप उत्तीर्ण होना जरूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन है कि आपकी उम्र 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म फिल करोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उस टाइम पे आपकी उम्र 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एलिजिबल क्राइटेरिया है, बट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे भी फॉर्म निकले हुए इनके आरएचएस ने निकाला हुआ है, और इनकी कुछ कॉलेजेस से उनकी बात कर लेते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया तो नॉर्मल है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ कॉलेजेस की। तो स्टूडेंट बीपीटी के कॉलेजों की कुछ चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इंडिया लेवल के कॉलेज है, जैसे कि पटना मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फगीमर चंडीगढ़, अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी दिल्ली, ये इंडिया लेवल की स्टूडेंट। अपने राजस्थान लेवल की है डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट है, वहाँ पर ही एडमिशन मिलता है आपको बीपीटी का। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, बीपीटी से रिलेटेड।